हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृष राशि के जातकों के बारे में कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी, राजनीति में लाभ मिलेगा या नौकरी के क्षेत्र में कुछ विशेष करने वाले हैं या व्यापार से आज आपको धन लाभ होगा, कैसा आपकी माली हालत सशक्त होगी, इन सब के बारे में आज हमको बताएंगे। और यदि न्यायालय में कोई वाद विवाद होगा तो उसमें क्या होने वाला है, बैंकिंग फील्ड में क्या करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में आपको क्या लाभ होने वाला है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। यदि आप और आपको इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है और आज आपको उपाय क्या करना, सावधानियां क्या बरतनी, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको यदि मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि लगता है कि आपको ज्योतिष से संबंधित कोई आपके मन में जिज्ञासा है या ज्योतिष से संबंधित कोई चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इनबॉक्स में जाएं, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि के जातकों के बारे में कि जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए आज थोड़ा सा आपके मन में उद्विग्नता आ सकती है, अकारण तनाव हो सकता है और आप बेवजह परेशान हो सकते हैं, लेकिन यह आपके दिमाग की फितरत है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज आपके लिए जो भी है समय बहुत अनुकूल है, जरूरत अपने समय का सदुपयोग करने की और अपने टास्क टारगेट ओरिएंटेड हो करके जिस भी फील्ड में, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे। न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा होगा तो उसमें आज आपको विजयश्री मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलने का योग बन रहा है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए फल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। घर परिवार में नए कार्य होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, कीमती सलाह से पैसा कमाएंगे, हार्ड वर्क से जो भी करेंगे हार्ड वर्क से काफी आगे बढ़ेंगे, आप सेल्फ मेड व्यक्ति होंगे और आज आप भाई परिवार समाज से आज आपको काफी सहयोग मिलेगा, लोग आपकी काफी प्रशंसा करेंगे, आज आपको यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, संततियों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, नए तरह के कार्य करेंगे, आपको इंट्यूशन होगा, तिंद्री ज्ञान की बात माने और बच्चों की टेरिटरी में किसी प्रकार का दखलंदाजी न करें, आप होनहार संततियों के पिता कहलाएंगे, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा, पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी को नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। यदि आप खेल या साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आज उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी, यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। यदि भूमि भवन इत्यादि खरीदने की आपने प्लान कर रखी है तो उसके लिए यह टाइम आपका बहुत ही बेहतरीन है, आप खरीद सकते हैं, आपके लिए समय यह कालखंड बहुत ही अच्छा चल रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, आलस्य का परित्याग करना है, उपाय क्या करना है, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना है, भगवान शिव की आराधना करना है, सफेद वस्तु का आप दान करें आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक 2 है और शुभ रंग सफेद है। हरे कृष्ण।